ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी लोग मन को एकाग्र करने के लिए 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। आप देख रहे हैं समय प्रति समय मनुष्य के जीवन में ये चिंताएं भी बढ़ेंगी, परिस्थितियां भी बढ़ेंगी और संबंधों का मन मुटाव भी बढ़ेगा। अगर अपने जीवन में हम खुशहाल जीवन चाहते हैं तो बाबा के, भगवान के हम किसी न किसी प्रकार से सहयोगी जरूर बने और जीवन में यही नियम बना लें कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना। क्योंकि आज हम क्या करते हैं, जब भी बैठेंगे, समय तो सबको मिलता है, हम या तो मोबाइल में जाता है, टीवी में जाता है या आपस में जो बातों में बैठेंगे तो हम अच्छी बातें नहीं करेंगे, हम इधर उधर की बातें करते। लेकिन सुबह सुबह उठेंगे तो झाड़ू लगाएंगे, सफाई करते हैं ना अपने मकान की, जहाँ रहते हैं तो सफाई तो हम करते हैं और कूड़ा कहाँ डालते हैं, कूड़े की जगह पर डालते हैं। और सुबह सुबह मकान की तो हमने सफाई कर ली, लेकिन सारे दिन में सभी जगह का कूड़ा हमने कहाँ डाल लिया, कहाँ डाल लिया। और हम बड़े खुश होते हैं उसकी सूचना, उसके बारे में मुझे मालूम पड़ गया, उसके बारे में मालूम पड़ गया, उसके बारे में मालूम पड़ गया। सभी जगह का कूड़ा हम अपने माइंड में डालते रहते हैं। इसलिए मनुष्य सबसे ज्यादा तन से कम परेशान है, मन से परेशान है, क्योंकि सारा कूड़ा हमने कहाँ डाल दिया, कहाँ डाल दिया। हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि घर की जैसे सफाई करते हैं वैसे मन की भी सफाई हमें करना है। और सफाई करने के लिए एक बाबा और कूड़ा वही डाल देना। बाबा ही ऐसा है जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि जैसे सागर, भगवान की तुलना हम किससे करते हैं, सागर से करते हैं। सागर में सारी नदियों का कचरा आता है लेकिन सागर कभी गंदा दिखाई पड़ता है, पड़ता है क्यों, क्योंकि वो समा लेता है। ऐसे ही भगवान के अंदर वो शक्ति है, हम अपने सारी बातें बाबा को कहकर हम अपने मन को साफ रखना है।